प्रवासी लोग छत्तीसगढ़ के हैं, आज उनके लिए पहली निःशुल्क ट्रेन भी रवाना की जा रही है जिसमें 1584 ट्रैवलर्स हैं। पलायन कितना बड़ा एक्सरसाइज है, आपको इसी से अंदाज़ा लगाइए कि ये तमाम लोग जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और लखनऊ प्रशासन अब इन्हें छत्तीसगढ़ वापस भेज रहा है। ये शिल्पग्राम है लखनऊ का और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में इन तमाम जो मजदूर या वहाँ के जो निवासी हैं उन्हें रखा गया है और इन सभी लोगों को यहाँ से रेल के जरिए वापस छत्तीसगढ़ उनके घरों को भेजा जाएगा। दरअसल बहुत सारे लोग पैदल अपने घर, अपने गांव, अपने राज्य के लिए निकले हैं और उसके बाद से प्रशासन की जी ये जो व्यवस्था है कि इन्हें किसी न किसी तरीके से पैदल नहीं चलने देना है और इन्हें ट्रेन के जरिए या बस के जरिए इन्हें भेजना है। तो आप देखिए, ये लखनऊ का एक ऐसा शेल्टर होम है जहाँ पर इस वक्त 1500 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं और इनकी व्यवस्था की गई है ताकि ये लोग अपने घरों को पहुँच सकें। कैसी होगी ये व्यवस्था, किस तरीके से लोग पहुँचाए जाएंगे, हमारे साथ लखनऊ के DM हैं अभिषेक प्रकाश। अभिषेक जी, ये बताइए कि ये इतना बड़ा मैसिव एक्सरसाइज है, ये क्या है? देखिए, गवर्नमेंट की नीति के अनुरूप कोई भी व्यक्ति को कहीं परेशानी नहीं हो, उनको हम लोग शेल्टर होम्स में रख रहे हैं जहाँ पे नियमित भोजन और जल की व्यवस्था है। साथ ही साथ जो अब प्रवासी लोग छत्तीसगढ़ के हैं, आज उनके लिए पहली निःशुल्क ट्रेन भी रवाना की जा रही है जिसमें 1584 ट्रैवलर्स हैं। इन सभी ये परिवार के भी लोग हैं, कई यहाँ पे अपने परिवार के साथ हैं, छोटे बच्चे भी हैं। सभी लोगों को आज यहाँ पे अभी शेल्टर होम में भोजन पानी के साथ ही साथ शाम का भोजन हम पैक दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रति व्यक्ति को एक जूस का बॉटल और एक बिस्किट का पैकेट, ताकि जो आगे की जर्नी है वो 15 घंटे की लगभग रहेगी ट्रेन की जर्नी, उसमें उन्हें दिक्कत ना आए, भोजन या जूस या बिस्किट इन चीज़ों को भी दिया जा रहा है। और उसके पूर्व 100% सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल के अनुरूप सुनिश्चित कराई जाएगी और तत्पश्चात इनको इस विशेष ट्रेन के द्वारा यहाँ से रायपुर ये लोग जाएंगे। तो ये पहला ऐसा ट्रेन यहाँ से निकल रही है जो कि उनके राज्यों में ले जाएगी, या फिर आपने पहले भी इस भेजा है? देखिए, ट्रेन ये पहली निकल रही है यहाँ लखनऊ से, इसके पूर्व में लोग बसेस के माध्यम से, सवारियों के माध्यम से भी लोग गए हुए हैं, जहाँ पर हमने 100% मेडिकल स्क्रीनिंग कराने के साथ ही साथ जिस गंतव्य स्थल तक जाते हैं वहाँ के स्थानीय प्रशासन और वहाँ के शासन की सहमति के बाद इन लोगों को वहाँ पर भेजा जा रहा है। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे लखनऊ के DM, हम कई लोग हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, आप लोग कहाँ से हैं और कहाँ जाने वाले हैं? हम छत्तीसगढ़ का हैं और रायपुर जाने वाले हैं। तो आप लोगों को ट्रेन से ले जाया जा रहा है मालूम है? हाँ सर, बताया तो है, ट्रेन से ले जाने वाला है। कर ट्रेन से ले जाए जाएंगे। आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर। तो क्या कहा गया आप लोगों को, कैसे ले जाया जा रहा है? आप कहें ट्रेन वेन की व्यवस्था लगाएंगे बोल रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं। आप लोग निकले थे क्या, खुद से जाने के लिए निकले थे या ऑनलाइन करवाए थे उसको? तब पता चला नगर निगम से फोन आया, तब निकले हैं घर से, ऐसे नहीं निकले। आप देख लीजिए, लंबी इस जगह पे इन लोगों की लंबी कतार है, 1500 से ज़्यादा लोग हैं और इन सभी लोगों को यहाँ से पहली ट्रेन लखनऊ से जो निकल रही है वो सीधा लेकर उन्हें छत्तीसगढ़ जाने वाली है। तो आप लोग अपने घर आज निकल जाएंगे? हाँ सर, ऐसा ही तो लगता है जब यहाँ आए हैं तो ले जाने के लिए। वापिस कब आएंगे? वापिस अब पता नहीं सर, खुल जाएगा तभी आएंगे या तो नहीं। वापिस आएंगे आप लोग हैं, वापिस लौटेंगे? अभी तो पता नहीं, लेकिन बाद में आएंगे, अभी इसका मतलब। हाँ, तो मजदूरों का ये वो पहला जत्था है जो यहाँ से छत्तीसगढ़ जा रहा है, इस उम्मीद के साथ जा रहा है कि उनके साथ सब ठीक होगा, लेकिन जब संकट के दिन छटेंगे तो वो दोबारा आएंगे, ऐसी भी बातें कह रहे हैं। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।